तो जानता ही लेते हैं कि ये जो स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं इनके पेपर लीक हो जाते हैं और इनका आरोप है कि एसएससी के अंदर सब सेट है और 40 लाख मांगा जाता है और एसएससी को चोर के नारे लगा रहे हैं। एक साथी हमारे बीच में जिन्होंने अभी अपने सिर को गंजा कराया, बड़े दुख के कारण सिर को गंजा कराया, हम जानते हैं आपका नाम। सर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम युवा और मेरा गांव बेरोजगार है। हम युवा और बेरोजगार हैं, हम सभी यहाँ पर स्टूडेंट हैं। मेरा कोई नाम नहीं, मेरा नाम है स्टूडेंट, हम युवा और बेरोजगार। दूसरी बात सर, जैसे आज मेरा सार का भी साथियों ने आज जो हमने मुंडन करवाया है, जैसे आज सर हम जैसे घर में पेरेंट्स की किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद बच्चे अपने बालों का बलिदान देते हैं, आज उसी प्रकार हमारा जो विश्वास है जैसे दादा हम 8-9 दिन बोले यहाँ पर सरकार से भी सभी से आस कर रहे हैं हमको कुछ मिलेगा, लेकिन आज ऐसे हमारे लिए बिल्कुल मर चुका है। और इसके लिए हम लोगों ने आज सभी ने एक फैसला लिया कि आज हम अपने बालों का बलिदान एसएससी को सौंप दिया, यहाँ पे रख देंगे अपना। लेकिन कुछ नेता ये कह रहे हैं कि भाई हम सीबीआई की जांच कराएंगे, तो क्या आप उनसे संतुष्ट हैं या नहीं? सर जैसे मीडिया में बयान आया और हम भी 2-3 सुन रहे हैं सर, अभी तक लिखित में कुछ नहीं आया। और सर श्री राजनाथ सिंह ने हमको बोला कि आपकी सीबीआई जांच होगी। सर जो हमारी 2 मांगे हैं उनकी तरफ सर ध्यान नहीं, शब्दों को सर गोल मोल के दिखाया जा रहा है। हम हमारी दो स्पष्ट मांगे हैं, वो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंदर एसएससी जितने भी जो 14 पेपर कंडक्ट करवाती है 2017 में, सभी की सीबीआई जांच हो सिटिंग जज के अंदर। सर दूसरी मांग हमारी है, जब तक सीबीआई जांच करेगी जो अपकमिंग में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी पे सटे लगाया जाए, क्योंकि सर अब 3-4 दिन से सर सीएचएस लगा चल रहा है, जो एग्जाम चल रहा है, हमारे पास कॉल आ रहे हैं बच्चों के, हमको बता रहे हैं सर वहाँ से पटना से ऐसे हो गया, सर वहाँ आउट हो गया, सर वहाँ स्क्रीनशॉट हमारे पास है। तो हम अभी तक सर कन्फर्म इस चीज़ में नहीं है, एविडेंस हम मंगा रहे हैं, 1-2 दिन में हम चाहते हैं, मेरे पास अभी पक्की खबर नहीं है, लेकिन ये बच्चे बता रहे हैं कि सीएचएस वाला भी वही हो रहा है। सर ये हर बार एक ही कंपनी को टेंडर दे देते हैं, इसका क्या सर क्या मतलब है? और जो सैफी कंपनी है उसको टेंडर हर बार दिया जाता है, कारण क्या है? और वो ऐसे ऐसी जगह सेंटर है सर, कैफे में सेंटर बच्चों का आया हुआ है सर, एक कैफे वाला है, वो बिकेगा कैफे वाले 50 लाख 60 रुपये, उसको 10-20 लाख रुपये में 50-50 बच्चों की लाभ कर ली सर, वहाँ भी सेंटर आ रहा है, इसका मतलब क्या सर? डिजिटल इंडिया की सरकार बात करती है तो ये तो एग्जाम सर हर साल होंगे, हर साल 2 करोड़ बच्चे एग्जाम देंगे, 2 करोड़ बच्चे फॉर्म भरते हैं एसएससी का, तो सर इनकी अपने पास एसएससी अपनी लैब नहीं बना सकती, सरकार स्कूलों में अपना सिस्टम नहीं कर सकती, सर ऐसा कारण क्या है? ये सर एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के अलावा कुछ नहीं है। सेंटर देखिए कैसी कैसी जगह सेंटर आ रहे हैं, ये जो आप दिखा रहे हैं क्या दिखा रहे हैं? ये सेंटर्स है, लोगों के घर पे सेंटर आ रहे हैं, विधायकों के घर पे सेंटर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं भले ही सेंटर, कोई घर में सेंटर होता है क्या? प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, प्रॉपर हाईटेक सिस्टम होना चाहिए। ये देखिए आप